इस सेशन में हम टाइप 14 की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्या है प्रॉब्लम? हाउ मैनी टू स्टेट डीएफएज विद डेजिग्नेटेड इनिशियल स्टेट कैन बी कंस्ट्रक्टेड ओवर द अल्फाबेट ए कॉमा बी। ओके, मींस हमको गिवन है दो स्टेट्स। ओके, लेट कि वो दो स्टेट्स हैं Q0 और Q1। ओके, हमको गिवन है कि उसमें एक स्टेट डेजिग्नेटेड है कि वो इनिशियल स्टेट है। लेट कि हम कह रहे हैं Q0 इज द ओनली इनिशियल स्टेट। ओके, क्योंकि यहां पर कहा डेजिग्नेटेड इनिशियल स्टेट, इसका मतलब एक ही इनिशियल स्टेट हो सकती है आउट ऑफ Q0 एंड Q1, एंड लेट Q0 इज द इनिशियल स्टेट। हमने इसको बोल दिया है कि ये क्या है, ये इनिशियल स्टेट है। ओके, ये पहले से बोल दिया गया। अब कह रहा है कंस्ट्रक्टेड ओवर द अल्फाबेट ए कॉमा बी। ओके, तो हमको बताना है टोटल कितने डीएफए पॉसिबल हैं इस कंडीशन पर बेस्ड। ओके, तो इस प्रॉब्लम को देखने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टिंक्ट पॉसिबल डीएफए स्ट्रक्चर्स। यहां मैं डीएफए नहीं बोल रहा हूं, डीएफए स्ट्रक्चर्स बोल रहा हूं, इसका रीजन आपको भी समझ में आएगा। बेस्ड ऑन फाइनल स्टेट्स। ओके, बेस्ड ऑन फाइनल स्टेट्स, तो मींस कि अगर जैसे कि दो यहाँ पर मींस स्टेट्स हैं, तो ऐसा भी हो सकता है किसी डीएफए स्ट्रक्चर में कि एक भी फाइनल स्टेट नहीं है, तब भी वो डीएफए तो है ही, या दो में से एक ही स्टेट फाइनल स्टेट है, और एक कॉम्बिनेशन और बनेगा कि जब दो की दोनों फाइनल स्टेट हो। तो इसके बेसिस पर हमको क्लासिफिकेशन करना है पहले। ओके, तो मैंने पहला लिख दिया है नंबर ऑफ डीएफए स्ट्रक्चर्स विद जीरो फाइनल स्टेट्स। तो अगर दो स्टेट हैं और उसमें से हमें जीरो फाइनल स्टेट्स चाहिए, तो ये कितनी स्ट्रक्चर बन रहे हैं इस तरह के, 2C0, तो एक स्ट्रक्चर मिलेगा। ओके, अगर यहां से दूसरा मैं ये निकाल रहा हूं, ओके, यहां पर क्या है, ये जीरो फाइनल स्टेट कर ना करके मैं इसको क्या कहता हूं, वन फाइनल स्टेट। ओके, दो स्टेट्स टोटल हैं और उसमें से अगर एक स्टेट फाइनल हो, तो ऐसे कितने इस तरह के स्ट्रक्चर डीएफए स्ट्रक्चर मिल सकते हैं, तो कहता है 2C1। ओके, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। ओके, सिमिलरली अगर तीसरे की बात करूं, यहां से तीसरा क्या है, तीसरा है कि दो की दोनों स्टेट क्या हो, फाइनल स्टेट्स हो, तो कितने स्ट्रक्चर मिल सकते हैं, तो 2C2। ओके, तो यहां से ये कितने मिल रहे हैं, 1। और अगर इसको टोटल देखें यहां पर, तो टोटल है ये कितने, 4। ओके, ये टोटल है, इस तरह के 4 स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि क्या वो 4 स्ट्रक्चर मैं बना सकता हूं, यस दिखा सकता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं इसकी कि जिसमें वो स्ट्रक्चर जिसमें एक भी फाइनल स्टेट नहीं है, ओके, तो वो स्ट्रक्चर ये होगा, Q0 को मैंने इनिशियल स्टेट कहा है, और ये Q1 हो गया। ओके, और ये स्ट्रक्चर हो गया। अब मैंने, अब अभी ये डीएफए नहीं है, ये बॉक्स में मैंने बंद कर दिया है ताकि ये समझ में आए कि ये एक डीएफए का स्ट्रक्चर है। ओके, तो इसमें मैंने एजेज वगैरह नहीं दिए, मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशन होंगे हर स्टेट में, तब ये डीएफए बनेगा। अभी ये डीएफए नहीं, अभी सिर्फ इसका स्ट्रक्चर टाइप का है, इसीलिए मैंने इसको डीएफए स्ट्रक्चर लिखा है। ओके, इसमें एक भी स्टेट फाइनल स्टेट नहीं है। नाउ कम टू दिस वन, जिसमें क्या है कि हमने कहा कि दो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। ओके, मीन्स दो स्ट्रक्चर इसके बन सकते हैं। तो एक तो ये है कि मैंने ये Q0 कहा और ये Q1 कहा, और ये Q1 क्या है, फाइनल स्टेट है। ओके, एक स्ट्रक्चर ये हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल है, Q0, और ये Q0 क्या है, फाइनल स्टेट है, और ये Q1। ओके, दूसरा स्ट्रक्चर ये हो गया, दोनों की फाइनल स्टेट आपने बदल दी, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया। मतलब ये और ये
दोनों क्या हैं, डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स हैं, इसीलिए ये दो आंसर इसका वो आया है। नाउ तीसरा स्ट्रक्चर क्या है कि दो की दोनों स्टेट क्या हों, फाइनल स्टेट्स हों। तो उसके लिए अगर मैं यहां से बनाऊं तो क्यू जीरो ओके और ये क्यू वन। अभी ये क्लासिफिकेशन जो ये चार मीन्स आंसर आया है ये सिंपली क्या है, ये क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर ओनली ओके। अब अगर हमको ये आंसर करना है कि हाउ मेनी टू स्टेट डीएफएज विद डिजिग्नेटेड इनिशियल स्टेट कैन बी कंस्ट्रक्टेड ओवर द अल्फाबेट, तो इसका आंसर करना है तो अगर हम किसी तरह से ये पता कर लें कि जैसे सपोज करो ये एक स्ट्रक्चर है ओके, अब इस एक स्ट्रक्चर में जो हमारे पास इनपुट अल्फाबेट ए कॉमा बी है वो कितनी तरह से रखा जा सकता है, एक स्ट्रक्चर में कितनी तरीके से इसमें एजेज लगाई जा सकती है ओके, या ट्रांजिशंस कितने तरीके से कराए जा सकते हैं बिटवीन क्यू जीरो एंड क्यू वन सच दैट डीएफए की कंडीशन फुलफिल हो कि हर स्टेट पर मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशन हो। अगर ये कहीं से निकाल ले तो जितने तरीके से इसमें ट्रांजिशन करा सकते हैं, एजेज को बिठा सकते हैं, इन द उतने ही तरीकों से इसमें भी कर सकते हैं, उतने ही तरीकों में इसमें भी कर सकते हैं, उतने ही तरीके से इसमें भी कर सकते हैं, और सारे के सारे स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे ओके। तो आओ उसके बाद क्या करें, इन चारों के जितने भी वेज में एजेज रख सकते हैं और उसका फोर टाइम्स कर दें, क्योंकि सब में स्ट्रक्चर बदला हुआ है, फोर टाइम्स करेंगे तो आंसर आ जाएगा ओके। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे कि यहां पर लिखेंगे हम क्या, टोटल पॉसिबल वेज टू पुट एजेस ऑन ईच स्ट्रक्चर ओके। टोटल पॉसिबल वेज टू पुट एजेज ऑन ईच स्ट्रक्चर, तो हमें यह निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसके लिए देखते हैं, मैंने क्या कहा, एक ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं, यहां पर यह ए हुआ और यह बी हुआ ओके। अब यहां से यह क्यू जीरो है, यह क्यू वन है, क्यू जीरो इज द इनिशियल स्टेट ओके। तो अब यहां मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आप देखो कि मींस टोटल पॉसिबिलिटीज चेक की जा रही, क्योंकि यहां पर ये नहीं क्वेश्चन में बताया है कि क्यू जीरो पर ए आता है तो कहां पर किस स्टेट में ट्रांजिशन होता है, या बी आता है तो कहां पर ट्रांजिशन होता है, ये नहीं बता रखा। तो ये हमको क्या करना है, हमें ये हाउ मेनी टोटल टू स्टेट डीएफए मतलब मैक्सिमम आंसर कर ओके तो अब देखना, अगर Q0 पर स्टेट पर हो और A रीड करते हो तो ऐसा पॉसिबल है कि वो Q0 पे चला जाए, या ऐसा भी पॉसिबल है कि वो Q1 पे चला जाए ओके। सिमिलरली Q0 पर अगर B रीड किया तो ऐसा पॉसिबल है कि वो Q0 पे रह जाए या Q1 पे चला जाए। सिमिलरली अगर Q1 की बात करें, A रीड करेंगे तो ये Q0 पे भी जा सकता है, ये Q1 पे भी जा सकता है। सिमिलरली यहां पर Q0 पे भी जा सकता है, Q1 पे भी जा सकता है। इसका मतलब अब ये मैंने मींस Q0 Q Q1, अच्छा अगर एक्चुअल में जब आप DFA जब बनाते हो तो इस जगह पर कोई एक ही स्टेट रह सकती है, इस जगह पर एक ही स्टेट, इस जगह पर एक ही स्टेट, इस जगह पर एक ही स्टेट, इस जगह पर, लेकिन अभी मैंने टोटल पॉसिबिलिटी ये बता दी कि ये पॉसिबल है। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं कि यहां से अगर लिखना चाहूं इसको ऐसे कि टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ट्रांजिशन टेबल्स पॉसिबल, टोटल कितनी ट्रांजिशन टेबल इस तरह से पॉसिबल है। तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जैसे सपोज करो ये चार प्लेसेस हैं ओके, चार प्लेसेस, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, और इन हर एक प्लेस पर चाहे Q0 आ जाए, चाहे Q1 आ जाए, कोई भी आ सकता है।
तो इस जगह पर अगर इसकी बात करूं तो इस जगह पर ये कह रहा हूं दो स्टेट में से कोई एक आ सकती है। इस जगह पर क्या फिल कर सकते हैं, इस जगह पर दो में भी कोई फिल कर सकते हैं, इस जगह पर दो तरीके से फिल कर सकते हैं, इस जगह पर भी दो तरीके से फिल कर सकते हैं। तो टोटल कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 2 की पावर 4 वेज से क्या कर सकते हैं, ये 4 प्लेसेस फिल कर सकते हैं। जितने तरीकों से ये 4 प्लेसेस फिल कर सकते हैं उतने ही तरीकों से ये 4 प्लेसेस फिल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ट्रांजिशन टेबल पॉसिबल क्या होंगी, ये वाली चीज क्या होंगी, 2 की पावर 4 वेज। ओके तो अगर मींस ये 2 की पावर 4 वेज ये ट्रांजिशन टेबल डिस्टिंक्ट ट्रांजिशन टेबल ये 2 की पावर 4 है। ओके तो अब ये देख लो, यहां पर तो आपने क्या बताया है, यहां पर तो आपने सिर्फ बताया कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, एजेज रखने का तरीका इसमें नहीं बताया। तो एजेज रखने का तरीका हम यहां से निकाल लें कि एक DFA में ये 2 की पावर 4 तरीके से आप क्या कर सकते हो, एजेज को पुट कर सकते। सो टोटल पॉसिबल DFAs, वो कितने होंगे, 16 यहां से 16 यहां से 16 यहां से 16 यहां से, मतलब हर एक में हमने ये 2 की पावर 4 तरीके से एजेस रख दी। जितने तरीके से इसमें एज रख सकते हैं उतने ही डिस्टिंक्ट इसमें से DFA निकलेंगे। तो 16 यहां से 16 यहां से 16 यहां से 16 यहां से, तो 4 टोटल स्ट्रक्चर थे, या कह लो टोटल डिफरेंट स्ट्रक्चर कितने थे, ये 4 इंटू ये टोटल वेज 2 की पावर 4, तो यहां से 2 की पावर 4, तो यहां से आंसर आ गया 64। ओके तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर है आपका, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट DFAs कितने पॉसिबल है, 64 DFAs पॉसिबल है। कब, जब इनिशियल स्टेट डेजिग्नेटेड है। ओके सपोज करो कि इनिशियल स्टेट डेजिग्नेटेड नहीं है, ये जो बात लिखी हुई है ये नहीं है। ओके इसका मतलब इनिशियल स्टेट कोई भी हो सकती है, या तो Q0 हो जाए या तो Q1 हो जाए। जो भी आपने बिगनिंग में कहा था कि Q0 इनिशियल स्टेट है, अब जो है क्या कहते हैं, इनिशियल स्टेट डेजिग्नेटेड नहीं है, मतलब इनिशियल स्टेट कोई भी हो सकती है। और किसी भी इन 4 स्ट्रक्चर में अगर इनिशियल स्टेट चेंज हो गई, अभी Q0 है, लेट आप कह दो कि Q1 है, तो DFA चेंज हो गया। ओके इट मीन्स कि कितने अब DFA हो जाएंगे, इसके जस्ट डबल। मतलब अगर ये कंडीशन हो गई तो फिर टोटल जस्ट डबल हो जाएंगे, 2 into जितने निकल के आए थे, 64। ओके अगर इनिशियल स्टेट इज नॉट डेजिग्नेटेड, इन दैट केस 2 into 64 डिस्टिंक्ट DFAs पॉसिबल। ओके एंड दैट्स डन।